एक्ट्रेस लता सबरवाल हमारे साथ हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ते हैं प्यार के, ये रिश्ते हैं यूट्यूब के, ये रिश्ते हैं स्टाइल के, ये रिश्ते हैं कुकिंग के, ये रिश्ते हैं लता जी की क्लासेस के। तो सबसे पहले लता जी कंग्रेचुलेशंस, आपकी ये जो पैरेलल जर्नी चल रही है एक्टिंग के साथ साथ, इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू। तो ये कैसे आपने फोकस अपना डाइवर्ट किया है इस तरफ? Thank you so much, first of all, and thank you so much for inviting me on your platform. And ये जो journey है मेरी आज की journey नहीं है actually. ये journey तो बहुत time से चल रही है. After I got married, I started studying again. I took up nutrition, I took up image management, and became a certified nutritionist and an image consultant. लेकिन क्या होता था कि shooting के साथ साथ आप जानते हो हम लोग कितने busy रहते हैं, time नहीं मिलता है. तो लेकिन मन में हमेशा मेरा कहीं ना कहीं चलता रहता था कि मैं कब करूं फ्रेंड्स के साथ, और जनरली ऐसे थोड़ा बहुत करती रहती थी, अपने भी काफी अप्लाई करती थी, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ऑनलाइन क्लासेस या ऐसा कुछ ज्यादा नहीं किया. यस, आई वॉज अ ट्रेनर ऑल्सो एट दैट टाइम विद द कंपनी ICBI, विद होम आई लर्न दिस आई डिड इमेज मैनेजमेंट. तो वो मुझे बहुत मजा आता था. कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है. सो दिस इज वन थिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग इज वन थिंग विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो जब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो मुझे लगा कि घर का काम तो था ही, उसके साथ मुझे लगा आई शुड डाइवर्ट माई एनर्जीज एंड मेक यूज ऑफ दिस टाइम इन अ बेटर वे, ताकि मैं इस टाइम को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकती. So, what happened that, पहले आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता था, कुछ भी वर्कशॉप रखो या कुछ है, लेकिन अब ये चीज इजी इसलिए हो गई क्योंकि थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू ऑल दी ऑनलाइन क्लासेस, थैंक्स टू ऑल दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, राइट. Why not make use of whatever people think of me, whatever position I hold? अगर लोग मुझ पर विश्वास करते हैं इतना, तो मैं क्यों नहीं कुछ ऐसा करूं और इस प्लेटफॉर्म का कुछ ऐसे यूज करूं ताकि उनकी एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प भी हो सके और मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन भी साथ में मिलता जाए, और हाँ डेफिनेटली साथ में एक पैरेलल चीज भी शुरू हो जाए. सो कीपिंग दिस थिंग दीज थिंग्स इन माइंड, यूट्यूब तो मैं करती ही थी, उसके बाद मैंने अपना इंस्टा लाइव शुरू किया, सीरीज लाइफ इन्फ्लुएंस इंस्पायरिंग लाइव्स, जिसके हमारे अभी दो ही एपिसोड हुए हैं. लेकिन हाँ साथ में जो है वो पर्सनलाइज्ड वर्कशॉप्स शुरू कर ली हैं, विच आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस. करेक्ट लता जी, बहुत कुछ सीखने को है. मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ आपको, एंड आई विल फॉलो यू मोर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप कर रही हैं, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एनर्जी. आप शूटिंग से वापस आती हैं, फिर इसको भी करती हैं, तो इट्स नॉट इजी. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो उतना ही टाइम लगता है जितना आपको सेट पर जाने में, रेडी होने में लगता है, बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल. और आई थिंक आपकी जो ग्रूमिंग क्लासेज हैं, आपकी जो मेकअप क्लासेज रहती हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, आपकी कुकिंग क्लासेज रहती हैं, काफी सारी चीजें आप करती हैं. तो लता जी, आप क्या लोगों को टिप्स देना चाहेंगी जो आपकी तरह से सोशल मीडिया पर आकर कॉन्टेंट जनरेट करने में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि वो भी घर बैठे बैठे कुछ अलग कर सके? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कुछ ड्रीम्स हैं, जो आई थिंक बहुत सी विमेन में होती है, बहुत सारे मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में होती है, हाँ विमेन जो है मैंने देखा है जरा मल्टीटास्किंग ज्यादा कर लेती हैं, बच्चे को भी देख लेती हैं, बाहर भी जाके काम कर लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं. सो विमेन आई थिंक आर मोर इनटू मल्टीटास्किंग. तो जो भी आपकी ड्रीम्स हैं आप उन्हें छोड़िए मत. दिस इज वॉट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से, दैट जस्ट फॉलो ड्रीम्स. ऐसा नहीं कि आपको बैठे बैठे वो ड्रीम पूरी हो जाएगी. आपको हजार बार जो है वो हार माननी पड़ेगी और सेटबैक्स आएंगे, लेकिन आपको डिसहार्टन नहीं होना है, उससे बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है. आप जो करना चाहते हैं पहले तो आप ये क्लैरिटी लेके आइए कि आप क्या करना चाहते हैं, वॉट इज द पर्पज, वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीच में अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल में भटक गई थी, भटक गई थी इन द सेंस क्या होता है कई बार कि अच्छा ये वो कर रहा है तो मैं भी ये कर सकती हूँ, ये वो कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, बट दैट वॉज रॉन्ग. जहां मेरी फॉलोइंग कम होने लगी, क्योंकि लोगों को जेन्युइन चीज ही पसंद है. तो इस
कहाँ गलत हो रही है। तो गलत यहाँ हो रही थी कि जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ मैं उसे फॉलो नहीं कर रही थी और इधर उधर भटक रही थी। सो आई वुड डेफिनेटली ले एम्फेसिस ऑन दिस थिंग कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले ये फाइंड कीजिए कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू एंड हाउ इज इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हमें फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं, ये सोचना गलत होगा। हम अगले का भी फायदा कैसे कर सकते हैं अगर हम इस सोच को लेकर चलेंगे। फॉल इन टू प्लेस जो रहे हैं उन्हें मैं बोलूंगी कि फॉलो योर ड्रीम्स। आप अपना जो नीश है या आपकी क्या खासियत है, आप क्या सोसाइटी को देना चाहते हैं, वो चीज जो है आप फॉलो कीजिए। ओके okay. तो अब मुझे ये बताइए, आप शूटिंग और ये साथ साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? लाइक यू आर मैजिकल, मैं तो नहीं कर सकती। अगर मैं आपकी तरफ होके सोचूं मैं इतना नहीं कर पाऊंगी एक साथ, और साथ साथ आपकी एक्सरसाइज रूटीन भी चलती है। सो पीपल रियली वॉन्ट टू नो व्हाट डू यू ईट। यू आर सीन कुकिंग, यू आर सीन एक्सरसाइजिंग, यू आर सीन ऑन द सेट, एंड देन यू आर सीन ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस टुगेदर? होती है ये बताते हुए मैं काफी डिसिप्लिन्ड हूँ। अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मुझे करनी ही है, अगर मुझे ये करना है तो करना ही है। बाकी हाँ, एक चीज ने मुझे काफी हेल्प की है, जैसा कि आप बोल रही हैं, बहुत सारी चीजें जब इकट्ठी हो रही थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, थोड़ा सा परेशान भी होती थी कि आई वॉन्ट टू डू बट हाउ टू डू। सो आई फाउंड आउट अ वे, इट इज बेटर टू राइट डाउन एवरीथिंग एंड सेग्रीगेट इट कि आप कौन से दिन में क्या क्या करने वाली हैं। और आप भले बेबी स्टेप्स लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लीजिए, लेकिन वो जो बेबी स्टेप्स हम लेते हैं, दोज आर द स्टेप्स दैट मैटर। एक सेइंग है कि आपका एक दिन कैसे गुजरता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी लाइफ कैसे गुजरने वाली है एक दिन के ऊपर। कि आपका दिन अगर ऐसा है तो आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई वुड लाइक टू से कि आप जो है वो बेबी स्टेप्स अपने जो देखेंगे, सो यू कैन मेक उससे जो प्रोग्रेस हो रही है आप देख सकते हैं कि आपकी एक साल में प्रोग्रेस कितनी हो रही है या दो साल में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो वो छोटी छोटी जो प्रोग्रेस है ना उसे हमें नहीं छोड़ना है। डेफिनेटली अपने आप को आप जो है पैम्पर कीजिए, अपने आप को आप कुछ गिफ्ट कीजिए, अपने आप को खुश कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर बहुत सी हाउस वाइफ है अगर वो देख रही हो तो कई बार उनकी ड्रीम्स होते हैं कि अरे मैं भी यूट्यूब चैनल शुरू करूं, अरे मैं भी कुछ अपना सिखाऊं बताऊं। सो दे शुड फॉलो देयर ड्रीम्स। अगर वो छोटा छोटा बेबी स्टेप्स भी लेंगी तो आई एम श्योर दे विल डेफिनेटली फाइंड सक्सेस एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल लता जी, आपने बिल्कुल सही कही। ये बात हम लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन जब करने पर आता है ना, तो हम एक दिन करते हैं, दो दिन करते हैं, वो जो एक डिसिप्लिन एक रूटीन रहता है ना, हम जल्दी से पता पेशेंस लूज कर लेते हैं। हमें लाइक्स कम मिले या हमें फॉलोअर्स नहीं मिले तो हम बोलते हैं छोड़ो, कुछ हो नहीं रहा। शुरू में मेरे साथ भी होता था, यूट्यूब पे अगर कुछ लोग मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं देते थे तो फिर मुझे थोड़ा उदासी लगती थी। लेकिन फिर जब एक दो फ्रेंड से भी बात की तो उन्होंने बोला कम से कम देख रहे हैं ना वो तुम्हारे वीडियोस, तभी तो कमेंट कर रहे हैं, और अच्छा है, यू शुड टेक देम एज अ लर्निंग कि अच्छा मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए या मेरे में क्या कमी है। सो वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और अगर ऐसे भी कोई कॉमेंट आ जाता है या कोई ट्रोल आ जाता है, आपको लगता है कि डजंट मैटर, सो जस्ट कीप इट असाइड और अपना जो विजन है उसे फिक्स कर लीजिए, कि घोड़े का चश्मा लगा लीजिए कि ये मेरा विजन है, ये ही मुझे करना है बस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा थॉट है आपका। अच्छा, शूटिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे बिकॉज व्यूअर्स रियली वॉन्ट टू नो। शूटिंग चल रही है, कोरोना का टाइम भी चल रहा है, आज 95,000 केसेस आ रहे हैं, तो ये जो स्पाइक, ये जो ग्राफ है कोरोना का, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में आप लोग कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हाइल शूटिंग, व्हाइल एक्टिंग, टू बी यू नो, टू जस्ट ये दिमाग में बात रखना। तो हाउ आर यू गाइस मैनेजिंग? शूटिंग में सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक आवर प्रोडक्शन हाउस डीकेबी डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, जो कि हमारा एक्चुअली बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जब हम एक प्रोसेस है पूरा जो फॉलो होता है और हम टू द टी फॉलो करते हैं। जब हम एंटर होते हैं तो एक बूथ बना होता है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ली जाती है, दिन में 3 बार हमारा टेम्परेचर चेक होता है और सैनिटाइजर होता है, हमारे जो बैग्स हम कैरी करते हैं वो सब सैनिटाइज होते हैं। उसके बाद जब हम मेकअप रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर फॉगिंग या वो एक स्पेशल जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस होता है वो उसी थोड़ी देर पहले ही होके चुका होता है, क्योंकि हम लोग के आने का टाइम होता है, वो हुआ होता है। उसके बाद थोड़े से चेंजेस हमने भी किए हैं, जैसे अपना सामान कम कर दो, स्पॉट दादा को कम बुलाओ, और जो है वो अपने जैसे
खाना तो मोस्टली सब आर्टिस्ट कई बार अपना, क्योंकि सेलेक्टेड चीजें खाते हैं इसलिए लेके ही आते थे, लेकिन वहां पर भी जो फूड वगैरह प्रोवाइड हो रहा है वो बहुत अच्छा पैक्ड बॉक्सेस में हो रहा है, एंड दिन में 2 बार हमें कावा पिलाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है क्योंकि वहीं पे फ्रेश बनता है, बहुत ज्यादा बनाते हैं, बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, जब सेट पे होते हैं हम सब मास्क पहन के रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रिहर्सल्स में भी बिल्कुल जब फाइनल टेक आता है तभी उतारते हैं। सैनिटाइजर हाँ काफी ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज अगर हमने शॉर्ट में किसी को छुआ या गले लगे या कुछ है तो सैनिटाइजिंग करते ही रहते हैं, वो एक थोड़ा टायरिंग हो जाता है। इनफैक्ट सेट पे हम कभी किसी भी चेयर पे बैठते थे, अब हमारी चेयर्स भी लेबल्ड हैं, सबके कैरेक्टर नेम्स लिखे हुए हैं कौन किस चेयर पे बैठेगा। सो रियली आई वुड रियली थैंक द प्रोडक्शन हाउस फॉर टेकिंग सच गुड केयर। मतलब उसके बाद तो अब एक बिल्कुल ही वो है, अगर होना तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट यस यू कैन नॉट से अबाउट दिस थिंग। हाँ, ये मैंने देखा है कि जब सीन शुरू होता है ना तो सारे आर्टिस्ट वो चीज भूल जाते हैं एवरीवन, और अगर हमें किसी को लगता है कि हाथ पकड़ना है या कुछ करना, हम इमोशंस में जो है वी जस्ट गो अहेड एंड डू इट, वी हैव नेवर हेल्ड आवरसेल्व्स बैक दैट वे। जब इमोटिंग जब इमोशंस चल रहे होते हैं, व्हेन वी आर इमोटिंग, उस टाइम पे हम बिल्कुल भी दिमाग में कोरोना आता ही नहीं है, दिस इज अ फैक्ट, और तभी शायद पॉसिबल हो पा रही है शूटिंग। टायर्डनेस हो जाती है सैनिटाइजेशन से ज्यादा शूटिंग से कम, क्योंकि वापसी में भी फिर सारा प्रोसेस होता है, सब स्प्रे कराओ ये करो वो करो, और हाँ आके भी घर पे एक्चुअली वी टेक प्रिकॉशंस बिकॉज माय सन इज 7 years ओल्ड, वी हैव एल्डर्स एट होम, सो वी जस्ट इमिडिएटली गो फॉर अ बाथ, पुट द क्लोथ्स इन डेटॉल वाटर, आई डोंट नो वेदर इट इज नीडेड और नो। बहुत सी इसके बारे में जो है वो अलग अलग राय आ रही है आजकल, कोई कहते जरूरी है कोई नहीं, बट इट्स बेटर। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितना हमसे हो सकता है हमें करना ही चाहिए, वाई टेक रिस्क, इट इज अ मैटर ऑफ योर हेल्थ एंड हेल्थ इज एवरीथिंग, सो वी शुड टेक केयर। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है कि लोग ठीक भी जल्दी हो रहे हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, ध्यान भी रख रहे हैं। बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म पे शायद काफी लोगों तक जो है मेरी आवाज पहुंचेगी, दैट प्लीज वेयर मास्क। आप मास्क में रिलैक्स मत कीजिए अपने आप को, अगर बहुत मोटा मास्क नहीं लगा सकते तो भले आप पतला मास्क लगा लीजिए, ब्रीथिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मास्क जरूर लगाइए, हाथ जरूर धोइए, सैनिटाइजिंग कीजिए, और अगर आपका काम हमारे काम जैसा नहीं है, जैसे हमें तो जाना ही पड़ता है, तो उसके अलावा आप घर पे रहिए, घर पे टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर जो है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा किसी के साथ मत रखिए। आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि अगर हम ये चीजें फॉलो करेंगे तो आई बिलीव कि काफी काफी कम हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे एक आजकल की सिचुएशन पर सवाल पूछ रही हूँ, जो न्यूज चैनल में अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का मैटर न्यूज में है, देन कंगना रनौत के साथ जो मुंबई में हुआ है वो मैटर न्यूज में है, तो आपके व्यूज क्या है इन अलग अलग मामलों को लेकर? लेट्स स्पीक अबाउट कंगना फर्स्ट, तो हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बायस या मतलब कुछ ऐसे गोल मोल आंसर दे रही हूँ, लेकिन ये आंसर मैं तभी दे सकती थी जब मैं शायद उसकी पोजीशन पे होती, उसकी कोई फ्रेंड होती या उसके नजदीक होती, लेकिन मैं बिल्कुल भी जो है वो अनटच्ड हूँ उस वर्ल्ड से ज्यादा, सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज ट्रू, क्योंकि सच तो इंसान का जो होता है वो उसी को पता होता है। एंड सेम इन केस ऑफ सुशांत सिंह, रियली लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम स्टिल, और जो भी है मतलब हम सब ने उनकी मूवीज देखी हैं और हम फैन भी रह चुके हैं सब उनके, हैं भी इनफैक्ट। बस यही बोलूंगी कि क्या होता है वो मोमेंट क्या था वो हमें नहीं मालूम, व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट वी डोंट नो, बिकॉज ये चीज जो होती है ये आसान नहीं होती है, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि अगर हमारी एक उंगली कट जाती है जरा सी या जरा सा गैस पे जल जाता है कुछ बनाते टाइम, तो हम कितना हल्ला मचाते हैं, हम कितना दवाई लगाते हैं, घर में सबको बताते हैं देखो ये हो गया ये हो गया, पूरा दिन बताते हैं देखो आज ना पता मेरी उंगली कट गई। जब इतना दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा जो इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा है या ऐसे डिसीजन ले रहा है। सो आई थिंक इट इज ऑल अ मैटर ऑफ माइंड, एंड माइंड इज गवर्निंग यू एट दैट टाइम, मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है थॉट्स आपको गवर्न कर रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा स्टेप ले रहे हैं, बट दैट मोमेंट ओनली दैट पर्सन कैन नो दैट व्हाट ही फेल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और साफ हो जाती है यहाँ पर लता जी, कि हमें कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। सुशांत
सिंह राजपूत के मैटर में एक जो चीज जो मैंने डीपली जाके नोटिस की वो ये कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, वो अपने में अपने तक सीमित हो गए थे। तो हमें इस पूरे मामले से ये चीज समझ में आई और सीखने को मिली है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, जिसको भी बताना चाहते हैं वो टाइम पर बताते रहें, ये बहुत जरूरी चीज। एब्सोल्युटली राइट। मेरा जो नेक्स्ट लाइव मोस्टली इस संडे तो नहीं, जो नेक्स्ट संडे आने वाला है वो इसी टॉपिक पे है, कम्युनिकेशन पे। और जो मेरे दो पहले लाइव हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे वो भी मेडिटेशन को लेकर थे, बिकॉज समवेयर इट इज रियली नीडेड इन टूडेज टाइम एंड नॉट जस्ट इन टूडेज टाइम। आज हम इसलिए रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि आज हमें उस चीज की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आज ऐसा टाइम आ गया है। लेकिन ये चीज हमेशा से हमें एक पार्ट ऑफ आर लाइव बनाना ही चाहिए। वी शुड, इवन इफ वी कंट्रोल आर माइंड्स 1%, आई थिंक वी आर स्टिल इन कंट्रोल। थोड़ा भी अगर हमारे दिमाग पर हमारा कंट्रोल हो तो, जो कि मोस्टली इट इज सेड एंड दोज हु प्रैक्टिस मेडिटेशन दे हैव फेल्ट इट दैट दे कैन कंट्रोल देयर डे, दे कैन कंट्रोल देयर पूरा दिन उनके कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो इंटेंशन सेट करते हैं एक पॉजिटिव तरीके से, दिन की शुरुआत करते हैं, सो दे कैन कंट्रोल मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग देयर माइंड। अगर आपने नहीं देखा तो आप कभी देखिएगा आईजीटीवी पे, इट इज वेरी नाइस दैट हाउ इम्पोर्टेंट रोल, व्हाट एन इम्पोर्टेंट रोल मेडिटेशन प्लेज इन दिस थिंग, इन कंट्रोलिंग योर माइंड, ताकि आप सेम रहें और आप बिल्कुल बैलेंस ना होए, आपको इनर स्ट्रेंथ मिले। और ऐसा भी है कि आजकल बहुत तरीके की मेडिटेशन आ गई है, लेकिन जो आपको सूट करे आप वो ही तरीका फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये ही पर्टिकुलर, आपको अगर कोई भजन गा के वो एक हैप्पीनेस मिलती है तो आप वो गा लीजिए, आपको कीर्तन करके मिलती है वो कर लीजिए, आपको साइलेंटली बैठ के मिलती है वो कीजिए, या फिर आपको कोई चांटिंग या जाप करके मिलती है। सो किसी भी तरीके का कोई फेथ ऐसा जो हमें इनर स्ट्रेंथ दे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, बिकॉज देन यू विल नॉट बी बीटन बाय द आउटसाइड थिंग्स, वट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड, आपका अंदर हिलेगा नहीं। तो अंदर को हिलने से रोकना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल टॉक डेफिनेटली विद वन ऑफ माई गेस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, विच आई हैव ऑल्सो फेल्ट। एंड मैं वैसे तो काफी बात करती हूँ, लेकिन बहुत सी चीजों में इंट्रोवर्ट हूँ। ऐसा हुआ है, आई हैव ऑल्सो फेल्ट इन माई लाइफ दैट देयर वर टाइम्स दैट आई हैव दिस हैबिट कि मुझे अभी जवाब देना होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी, एंड आई विल कीप इट इन साइड मी एंड इट विल कीप बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, एंड एक दिन मैं फिर ब्लास्ट करूँ। सो दिस थिंग आई एम वर्किंग ऑन इट, आई विल नॉट से दैट आई हैव रीच्ड द परफेक्शन, बट आई एम वर्किंग एंड आई एम फाइंडिंग द डिफरेंस कि ठीक है, जो अगर मेरा ब्लास्ट 10 दिन बाद इतना बड़ा वॉल्केनो फूटने वाला है, उसको छोटा सा ब्लास्ट करके अभी शांत कर दो। सो आई एम इन दिस प्रोसेस, वी ऑल आर ग्रोइंग एवरी डे, सो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई होप दैट आई विल really win over myself and my brain one day. ऑफ कोर्स यू विल, जैसे आप हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिव वाइब, और आप जो जो चीजें कर रही हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लता जी, कैसे खुद को खुश रखा जाए, कैसे खुद को बिजी रखा जाए, कैसे खुद को ब्लेस्ड फील कराया जाए, कैसे खुद को पैम्पर किया जाए। तो आई रियली होप कि जो आपका कनेक्शन है आपके व्यूअर्स के साथ, यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है व्यूअर्स के साथ, वो रिश्ता प्यार भरा हमेशा बना रहे। How nice! You said it very well, actually. बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू सो मच। आपको देखकर अच्छी अच्छी बातें अब खुद ब खुद निकल के आ रही हैं। तो इसे बोलते हैं कि आप जब किसी पॉजिटिव इंसान से बात करते हो तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आती है। इस पर भी कभी लंबा डिस्कशन हम करेंगे। और चलते चलते आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, जो भी आपको फॉलो कर रहे हैं आपके सोशल पेजेस पर, आपके यूट्यूब पर, आपका शो जो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये कहूंगी कि पहले तो अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, कोई लापरवाही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ हमारा सीरियल देखते रहें, अनकंडीशनल लव जो आप हम तक पहुंचाते हैं, इतने सारे जो मैसेजेस भेजते हैं, डीएम्स भेजते हैं, हमारे कोलाजेस बनाते हैं, ये जो एफर्ट इसके पीछे आप लगाते हैं, इट रियली मैटर्स टू अस। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दिस अनकंडीशनल लव। और सीरियल से जुड़े रहिए, साथ में मुझसे भी जुड़े रहिए, जो मैं करना चाहती हूँ अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली मैं वो चीज अकम्प्लिश कर लूंगी। एंड
फॉलो योर ड्रीम्स। तो थैंक यू सो मच लता जी, बहुत मजा आया आपसे बात करने में, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, एंड सी यू वेरी सून। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय। बाय बाय।